भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में सीमा पर कई जगहों पर आमने सामने हैं और दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से गतिरोध का कोई हल नहीं निकल सका है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ऐसी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनावपूर्ण लंबी खींचतान के लिए तैयार है। दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। दोनों पक्षों की ओर से 1,000 से अधिक सैनिक बहुत कम फासले पर मौजूद है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें लद्दाख में पैंगोंग झील के पास ITBP कैंप के सामने चीनी सैनिकों के बिल्डअप की पुष्टि करती है। पिछले एक महीने की तस्वीरों से तुलना की जाए तो इस अवधि में LAC के दूसरी ओर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट का पता चलता है। गलवान घाटी और पैंगोंग झील के आसपास के इलाके हॉटस्पॉट बने हैं, जहां तनाव जारी है और इसके घटने की कोई संकेत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसो सेक्टर और गलवान घाटी क्षेत्र में बारीकी से नजर रखी जा रही है, जहां चीन ने सैनिकों की तैनाती हाल में बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।